मुरादाबाद पहुंचे पूर्व बसपा महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी का साफ तौर पर कहना है कि हाल ही में हुए निकाय चुनाव का आगामी लोकसभा, विधानसभा या गुजरात चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मीडिया पर कटाक्ष करते हुए बोले कि कुछ मीडिया के लोग हैं जो भाजपा को बड़ा चढ़ाकर दिखाने का काम कर रहे हैं, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। बातों ही बातों में अडानी और अंबानी का नाम लेने से भी नहीं चुके। नगर निकाय चुनाव में भाजपा के बढ़ते वोटिंग परसेंटेज पर जवाब देते हुए कहा कि सब जगह निर्दलीयों ने ही बाजी मारी है, इसमें मेयर पद शामिल नहीं है। और जहां तक भाजपा की बात है, 2007 में भी उसने दो मेयर सीट हारी थी और वही स्थिति इस बार भी है। जहां तक मेरठ मेयर की जीत है तो हमारी सरकार ने इस समय भी मेयर सीट जीती है। वहीं ईवीएम मशीन पर उठ रहे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश में मशीन पकड़ी जा चुकी है और लगातार शिकायत मिल रही है, तो ऐसी क्या मजबूरी है जो ईवीएम मशीन से ही चुनाव कराए जाते हैं, जबकि विदेशों में ईवीएम नो नकारा हो चुका है। भारत में भी सभी चुनाव बैलेट पेपर पे ही कराने चाहिए। नगर निकाय चुनाव में भाजपा के बढ़ते प्रभाव पर जवाब दिया कि अगर पहले और इस चुनाव में कंपेयर किया जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मुरादाबाद अपने निजी दौरे पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी से मिलने पहुंचे थे शहर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके अतिक अहमद सैफी ने नसीमुद्दीन में अपनी आस्था दिखाते हुए बसपा छोड़ते हुए उनके साथ जाने का ऐलान कर दिया। भाई, क्या नया है आज? कुछ आज मैं बहुजन समाज पार्टी में करीब मुझे 22 साल से ज्यादा हो गया है और एक सच्चा सिपाही बन के मैंने बहुजन समाज पार्टी की सेवा की थी और मैं विधानसभा 28 अपने नगर मुरादाबाद से अभी विधायक का चुनाव भी मैं लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद में मेरे सामने जो नतीजे आए, मैंने देखा जो वोट मुझे पड़े, मेरे ताल्लुकात के वोट मुझे खाली मिले। मैंने काफ़ी मेहनत की ऐसे समाज में जाके, मुझे कहीं कोई वोट ऐसे समाज का नहीं पड़ा। और संगठन जहाँ तक है, यहाँ का मुरादाबाद हमारे लेके ऊपर से ये वैसे तो संगठन में, और यहाँ मुरादाबाद में संगठन के किसी आदमी ने मेरे संगठन के, चाहे वो छोटा हो या बड़ा संगठन हो, किसी ने मेरी पूरे विधानसभा में एक मीटिंग नहीं कराई जाके। कहीं भी मेरी एक मीटिंग भी करा देते, चाहे कोई से भी नेता रहे हों वो, तो इसलिए कि यहाँ का संगठन बिल्कुल नाकारा है, संगठन यहाँ का बढ़िया नहीं है। इसलिए ये पार्टी जो है ऊपर भी ऐसी है, ऊपर वगैरह अब सब आपको पता ही है ऊपर के बारे में भी। तो इसलिए कि मैं यही बताना चाहूँगा कि आज जो इस पार्टी से बहुत ज़्यादा मैं दुखी हो गया हूँ। दुखी होने के बाद में आज मैं बहुजन समाज पार्टी से 22 साल पूरी सेवा की है और आज मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी से। तो क्या कहीं नई पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं? नई पार्टी में जब मैं कोई नई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा। मैंने मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, मैं उनके साथ हूँ। जब उनका फैसला होगा, वो जब मंजूर है, जहाँ भी वो हैं, जैसे भी रहेंगे, चाहे अपनी पार्टी बनाए, चाहे जहाँ भी जैसे भी रहे, मैं अपने बड़े भाई के साथ हूँ। अजीत साहब, मेरा कोई फैसला नहीं है। अजीत साहब, जैसा कि आपने बताया कि मुरादाबाद का संगठन और ऊपर तक का संगठन नकारा है, तो क्या ऊपर भी जो बैठे हैं संगठन के अधिकारी वो भी नकार रही हैं? वहाँ भी भाई साहब, वहाँ से मेरा एक भी कोई, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊपर से संगठन का भी कोई भी मेरी एक मीटिंग कराने को नहीं आया। अब पूरी विधानसभा के चुनाव में मैं 2.5 साल पहले मेरा टिकट हो गया था, कोई ना तो ऊपर से कोई बड़ा नेता आया, ना कोई मैं यहाँ के संगठन, किसी ने मेरी कोई मीटिंग नहीं कराई, किसी विधानसभा में एक मीटिंग भी कोई कराया जाता बड़ा नेता आन के। तो मुझे उस पर भी मालूम है, ये अच्छा लगता है कि उन्होंने कहा हाँ भाई, किसी बड़ा नेता ने आन के ये मेरी मीटिंग कराई। तो मेरे संगठन में यहाँ भी मैंने देखा, ऊपर भी देखा, कोई मेरी संगठन में एक मीटिंग मेरे पूरे चुनाव में किसी ने नहीं करा के दी आन के। मैंने सबसे प्रयास किया कि मैंने सोचा कि मैंने, हो सकता है कि सतीश मिश्रा को बहन जी ज्यादा मानती हूँ, उनको भेज दिया जाए। आपने माल नहीं दिया होगा ना? हाँ, अब यही है। अतीक साहब, मेरा एक सवाल और, अधिकतर आरोप लगता है बसपा सुप्रीमो पे के पैसा लेके टिकट मिलता है देकर।
ये तो सबको बताया मैं क्या इसमें बताऊं नहीं आपने आप भी देखा नहीं ये सबको आपने पता चुनाव लड़ा है नहीं आपने नहीं ये तो है दिया आपने ये नहीं मैंने नहीं दिया क्या अभी मैं बताऊंगा मैंने दिया या नहीं दिया मैं दूंगा कहां से दूंगा मैं हाँ मैं बता रहा हूं मगर ये जैसे कि आरोप लग रहा है ये सब कुछ आपको पता है नहीं नहीं मैं आपसे जानना चाहूंगा कहीं ना कहीं ये लोग जो आ रहे थे क्या पैसे लेके आ रहे थे मेरा टिकट तो मेरे बड़े भाई ने कराया था मुझे ना पैसों से हुआ था मेरे तो सिर्फ बड़े भाई की इज्जत थी मेरे बड़े भाई की वजह से मेरा टिकट रुका भी और बड़े भाई ने मेरी टिकट कराया नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब सीधे का टिकट था वो मेरे से और कोई नहीं सीधे लफ्जों में बात करूं कि बसपा से ऊपर से नीचे तक लेके जो पदाधिकारी बैठे हैं नकारा किसी ने कोई मेरी मीटिंग नहीं कराई तो क्या क्या कहा जाएगा बताओ बताइए आप भी बताइए हाँ मैं बता रहा हूँ कि किसी ने ऊपर से नीचे तक किसी ने कोई मेरी मान के संगठन मीटिंग नहीं कराई पूरे चुनाव में मेरी कोई मीटिंग नहीं कराई तो मैं क्या कहूँगा उनको मतलब आप बसपा छोड़ दिया मैंने इसी को देखते हुए आज मैंने फैसला लिया है कि मैंने आज बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और मैं हमेशा मैं आज अपने बड़े भाई के साथ फैसला ले रही हूँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ में हमेशा मैं जहाँ भी जैसे भी रहेंगे जिस हाल में रहेंगे मैं उसी हाल में माननीय मंत्री जी के अपने बड़े भाई के साथ रहूंगा आपने चुनाव लड़ा है जी लगभग कितना खर्च हुआ होगा आपका एक चुनाव आप विधानसभा आपने लड़ा है विधानसभा चुनाव में ये तो आपको पता है कि मालूम खर्च कितना होता है नहीं आपको या तो पार्टी को आपने दिया हो या खर्च हुआ नहीं खर्च तो ये तो देखो होता ही है इलेक्शन में तो मालूम है होर्डिंग बैनर ये तो सब चलते ही चलो मैं रिकॉर्ड लेना चाहेंगे मैं दे दूंगा वो जी अभी चुनाव होकर क्या लगता है आपको इसमें तो निर्दलियों का वर्चस्व रहा जो प्रेस मीडिया के माध्यम से सूचनाएं आई मैं हर जगह तो नहीं गया हूँ निर्दलियों का वर्चस्व रहा इसमें जैसे एक तरफा भाजपा को वोट पड़ा है क्या मानते हैं कि तरह तरह के अभी मायावती ने जब एक आरोप लगाया है अखिलेश दिन लगाया कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ हुई है आपका क्या गड़बड़ देखिए ईवीएम में गड़बड़ी होने के पहले भी इल्ज़ाम लगे हैं और यहीं भर नहीं लगे हैं दूसरे स्टेट्स में भी लगे हैं तो अगर एक शिकायत है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है और ईवीएम में गड़बड़ी की अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में देखा भी गया कि वोट डाला किसी को और निकला किसी को तो अगर ईवीएम इतना सही था तो दुनिया के कई देशों ने इसको रिजेक्ट कर दिया ईवीएम से जहाँ पहले वोट पड़ते थे जापान जैसे दूसरे कई कंट्री ऐसे हैं कि जहाँ पर वोट पड़ते थे ईवीएम को रिजेक्ट कर दिया तो भाई हिंदुस्तान में क्या मजबूरी है अमेरिका जैसे देश में ईवीएम से वोट नहीं पड़ते बार बार अगर शिकायत हो रही है और ये साबित भी हो रहा है कि गड़बड़ी हो रही है तो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराना चाहिए क्या दिक्कत है अभी पिछले दो दिनों से चर्चा में है कि बसपा जो डाउन चली गई थी बसपा फिर वापस आ रही है आप बसपा जुड़ रहे हैं क्या लगता है आपको वर्धन क्या आपके क्या लगता है कि बसपा क्या ऊपर आ रही है क्या चुनाव के बाद देखिए मुझे ऊपर नीचे से की बात नहीं करना है सवाल ये है कि चाहे वो भाजपा हो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो या छोटी और पार्टियाँ आ गई हैं जो छोटी पार्टियाँ आ गई हैं वो पिछले स्थानीय निकाय के चुनाव में नहीं थी पिक्चर में इससे पहले 2012 में चुनाव हुआ तब भी उससे पहले जब हमारी सरकार थी 2007 में हुआ तब भी भाजपा को कितने परसेंट वोट मिले थे तब सिंबल से नहीं लड़ाया था लेकिन समर्थन दिया था भाजपा ने 2012 में सिंबल भी दिया था तब कितने परसेंट वोट मिले थे अब कितने मिले हैं इसी तरीके से सपा कांग्रेस बीएसपी को तब दो साल दो चुनाव में कितने वोट मिले थे इसमें कितने मिले हैं उसको अगर आप कंपेयर करें तो कोई बड़ा अंतर नहीं है किसी में कोई बड़ा अंतर नहीं वैसे ही उतने ही वोट हैं बल्कि किसी के तो और भी कम गए हैं बीएसपी के ही कम गए वार्ड मेंबरी के वार्ड मेंबरों में जो टाउन एरिया उसमें बीएसपी के बहुत 4% वोट आए तो उसी से मिलते जुलते हैं आप ऑल इन ऑल देखेंगे टोटल देखेंगे ओवरऑल देखेंगे तो आप ये लगेगा कि कोई बड़ा फर्क नहीं है अब उसमें कहीं पर कोई जीत गया कहीं पर कोई हार गया 2012 में जब चुनाव हुआ था शहरी निकाय का
तो यूपी में 12 में से 10 मेयर बीजेपी जीती थी, ठीक है, और अब 16 में 14 जीती, दो जब भी हारी थी, दो अब भी हारी। अब अगर बीजेपी कह रही नहीं हम बहुत बढ़ गए, तो हमारी समझ में तो नहीं आता कहां से बढ़ गए, हारे तब भी दो थे, हारे अब भी दो, तभी जितना वोट मिला था जितने परसेंट, आज भी उतना। ये मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, ये आज का राष्ट्रीय सहारा अखबार का है, ये पूरा है कि कितने परसेंट वोट मिले और तब कितने मिले थे, 2012 में 2007 में कितने मिले, कोई फर्क नहीं है। सीटों में 19-20 फर्क हो सकता है, और बीएसपी इससे पहले भी मेरठ जीत चुकी है। जब नगर निगम नहीं था तब हमने अयूब अंसारी साहब थे उनको बांदा से चेयरमैन बनाया था, फिर पहली बार जब नगर निगम 1996 में चुनाव हुआ तब दोबारा अयूब अंसारी साहब को मेयर बनाया। इसके बाद हमने इलाहाबाद में अपना मेयर बनाया, कई जगह हम मेयर पहले भी बना चुके हैं, और अब हम भले बीएसपी में नहीं हैं अब भी मेयर बन गए, तो वोट परसेंटेज में कोई फर्क नहीं। और इसको लोकसभा के चुनाव से, विधानसभा के चुनाव से देखना या गुजरात के चुनाव से देखना बेमानी। नहीं, जैसे भाजपा कह रही है कि गुजरात में चुनाव होने वाला है, यूपी में जो जीत हुई है उसका कहीं फर्क पड़ने वाला है उसके चुनाव पर? दो तब भी हारे थे, दो आज भी हारे, जितने परसेंट वोट पहले पाए थे उतना परसेंट आज भी पा रहे हैं। अब भाई कुछ मीडिया के लोग उनके नज़दीक हैं, वो चढ़ा बढ़ा करके दिखा दें, आपको नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग हैं चढ़ा बढ़ा के दिखा दें, वो बात अलग है, उसको हम क्या कर सकते हैं। अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं और तमाम हैं, वो दिखा देते हैं, वो अलग बात है। 2019 में कोई बेनिफिट मिलना है कि सपा को या भाजपा को इस चुनाव का? इस चुनाव से क्या मतलब, मैंने पहले कह दिया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से, इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है। आप मुझे ये बताइए, ये नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद में 70% अध्यक्ष या चेयरमैन कह लें निर्दलीय जीते हैं। अगर फर्क पड़ना है तो क्या विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में 70% निर्दलीय विधायक या एमपी जीत जाएंगे? कैसे इसको आप उससे लिंक कर सकते हैं या मिला सकते हैं? 70% मेयर की बात नहीं कर रहा हूं, नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में 70% अध्यक्ष और उनके सभासद भी 70% निर्दलीय जीते, इसका उससे कोई लिंक नहीं। साहब कुछ आज आपको बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं, जी जी जी, हो सकता है जब वो सूचना दे दें तो सूचना देने के बाद अपना फैसला सुना दें, क्या फैसला है खुद सुनाएंगे, हो सकता है उनको पार्टी से निकाल दिया जाए, कब निकाला जाएगा पहले आप लोग देख लें, इसके बाद इनको निकाला जाएगा, कब निकाला जाएगा पहले उनसे आप बात कर लें, बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि उनको पार्टी से निकाला जाएगा, पहले आप सुन लीजिए उनको।